अगर आप लोग जियो के यूजर हो तो आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा कि जो रिचार्ज प्लान है वो बढ़ने वाला है 1 दिसंबर से। उस पर 20% 21% का यहाँ पे चार्ज बढ़ाया जाएगा और फिर आप लोग को उतना पे करके फिर रिचार्ज करना होगा। जितना आप लोग पहले कम पैसे में करते थे उतना आपको ज़्यादा करके यहाँ पे अगला रिचार्ज आप लोग कर पाओगे दिसंबर के, मतलब 1 दिसंबर से। तो यहाँ पे अभी एक ऑफर चल रहा है जियो के तरफ से ही, अगर आप लोग यहाँ पे रिचार्ज करते हो एडवांस में तो आप लोग इसी प्लान पे कर सकते हो और 20% एक्स्ट्रा बचा भी सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कैसे आप लोग रिचार्ज नाउ और यूज लेटर कर सकते हो वो भी पूरा का पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे आपको एक बैनर शो करेगा रिचार्ज इन एडवांस एंड सेव 20% ऑफ। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो 20% का जियो मार्ट के थ्रू यहाँ पे ऑफर चल रहा है। अगर कोई भी रिचार्ज करते हो 249 555 599 का तो यहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो और बाई करके आप लोग अपने वाउचर में इसे सेव करके रख सकते हो और जब आपका रिचार्ज खत्म होगा जो अभी चल रहा है या फिर नहीं है तब तो आपको रिचार्ज कर ही सकते हो। अगर रिचार्ज है फिर भी आप लोग इसे वाउचर में परचेज करके रख सकते हो और जब भी आपका रिचार्ज खत्म होता है फिर आप लोग इसे रिडीम करके आसानी के साथ यूज कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग अभी रिचार्ज करोगे तो आपका कम प्राइस में हो भी जाएगा और फिर आप लोग 20% का कैशबैक भी पा जाओगे जिससे आप लोग फ्यूचर में रिचार्ज भी कर पाओगे। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है, इसके थ्रू आप लोग रिचार्ज नाउ और यूज लेटर का यूज़ कर सकते हो और फिर आप लोग आसानी के साथ कम पैसे में ही इन फ्यूचर भी आप लोग इस कम पैसे का रिचार्ज में फ़ायदा उठा सकते हो। आपको ज़्यादा पे नहीं करना होगा जब तक ये रिचार्ज आपके पास होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।